हेलो स्टूडेंट्स, एनाल्जेसिक्स देखिए क्या होते हैं। एनाल्जेसिक्स उसे बोलते हैं जिससे हमें पेन से रिलीफ मिलती है। तो एनाल्जेसिक्स वो ड्रग है जिनसे हमें पेन से रिलीफ मिलती है। पैरालिसिस हो गया, मेंटल कंफ्यूजन हो गई, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो एनाल्जेसिक्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें दो तरह के एनाल्जेसिक्स होते हैं, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में वो वाले एनाल्जेसिक्स होते हैं जिनकी आदत नहीं पड़ती, वो खाते रहिए तो कोई इसकी आदत नहीं पड़ती है। नॉन हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, नॉन एडिक्टिव, कोई एडिक्शन नहीं होती। लेकिन नार्कोटिक में देखो एडिक्शन हो जाती है, ये स्लीपिंग भी कॉज करते हैं, इसके कारण नींद भी आती है। नार्कोटिक को स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये तब भी दी जाती है जैसे कि नींद की गोलियां होती हैं, उसके लिए भी ये यूज़ की जा सकती है। देखो इनकी एग्जांपल मॉर्फिन हो गई, कोडीन हो गई, हीरोइन हो गया। उधर नॉन नार्कोटिक ड्रग्स देखो एस्प्रिन हो गया, ब्रूफन हो गया, डिक्लोफेनिक सोडियम हो गया, ये सारे के सारे नॉन नार्कोटिक ड्रग हैं। देखो पेन क्यों होती है, पेन होने का कारण है प्रोस्टाग्लैंडिंस। प्रोस्टाग्लैंडिंस ज़्यादा बनता है तो पेन होती है। एस्प्रिन क्या करता है, इसको प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देता है, तो इसलिए पेन बंद हो जाती है। एस्प्रिन देखो पहले दी जाती थी क्योंकि ये हार्ट अटैक में भी काम आती है, क्योंकि ये इसमें एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन है। एंटी ब्लड क्लोटिंग मतलब के खून को जमने ही नहीं देता नाड़ियों में, तो ये हार्ट अटैक में भी यूज़ होती है। लेकिन एस्प्रिन लेना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, तो टॉक्सिक टू द लीवर, और स्टमक में ब्लीडिंग कर देती है। क्यों ब्लीडिंग करती है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बनता है। एंटीपायरेटिक वो ड्रग होते हैं जो के बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, और भी कई, जैसे निमोसलाइड हो गया। निमोसलाइड भी जो है ये भी यूज़ किया जाता है एज अ एंटीपायरेटिक बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।